मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज फरीदाबाद के पृथला विधानसभा के गांव फतेहपुर बिल्लोद से विजय भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि विजय भारत संकल्प यात्रा आज से शुरू हो रही है, जो ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्रों में अगले 2 महीने तक चलेगी। उन्होंने गांव वासियों को कहा कि यह आपका सौभाग्य है कि इस संकल्प यात्रा की शुरुआत आपके गांव से हो रही है। इस संकल्प यात्रा को लेकर उन्होंने गांव वासियों को अपने दिल पर हाथ रखकर संकल्प करने की शपथ दिलाई कि हम भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प लेते हैं और गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। हम भारत की एकता को मजबूत और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे और नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। जन संवाद यात्रा इसका संकल्प, इसके लिए यात्रा शुरू हो रही है। हरियाणा के हर गांव में और हर शहर में इस यात्रा का कार्यक्रम अगले 2 महीने में होने वाला है। आज इसकी शुरुआत यहां फतेहपुर बिल्लोद गांव से शुरू हो रही है। आपका सौभाग्य इस बात को लेकर के है, इसलिए सबसे पहला कार्यक्रम जो इस यात्रा में संकल्प लाया जाएगा उससे हम शुरू कर रहे हैं। और संकल्प अब दाहिना आगे करके नहीं करेंगे, बल्कि अपना दाहिना हाथ अपने दिल के ऊपर, दिल शरीर के बाएं तरफ छाती में होता है, तो बाएं तरफ अपना हाथ रखेंगे, ये नहीं करेंगे ये करेंगे, ठीक है। अपना दाहिना हाथ अपनी छाती पर बाईं ओर जहाँ दिल होता है इसके ऊपर रखिए और फिर मेरे पीछे बोलिए, हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। हम शपथ लेते हैं कि देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि नागरिक होने का अपना कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की जय। धन्यवाद। मंच पर मूढ़े पर बैठते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जातिवाद में विश्वास नहीं रखते। उन्होंने कहा है कि दो ही जातियां हैं, एक अमीर और एक गरीब। उन्होंने कहा कि जातिगत को लेकर अगर हमारे मन में कोई बात आएगी तो हम सिर्फ और सिर्फ गरीबों के लिए ही काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक है और मैं 2,80,00,000 लोगों को अपना परिवार मानता हूँ। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर कोई अपने परिवार के लिए काम करता है, इस तरह मैं भी अपने परिवार के लिए काम कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों ने जितना काम किया हमने उनसे डबल किया और खर्च भी उनसे कम किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हमने करप्शन को खत्म किया है। इस मौके पर खुशी जताते हुए लाभार्थी बुजुर्गों ने बताया कि उनकी पेंशन नहीं बन पा रही थी, लेकिन यहां पर उनकी पेंशन बिना कुछ लिए दिए और भाग दौड़ किए बिना हाथों हाथ बना दी गई है और हमें अगले महीने से पेंशन मिलनी भी शुरू हो जाएगी। यह सरकार का बहुत ही बढ़िया काम है और हम सभी तहे दिल से सरकार का धन्यवाद करते हैं। अब तो प्रधानमंत्री जी जैसे कहा है कि दो ही जातियां काम करेंगी, एक गरीब एक अमीर। हमारा अगर जातिगत काम करने का कोई मन में विचार आएगा भी सही तो गरीब के हित में काम उनको करना चाहिए। बोलिए, आप सहमत हैं इस बात पर? इसलिए अब हरियाणा, हरियाणा एक, हरियाणा भी एक, इस आधार पर आगे बढ़ेगा और हरियाणा की जनता को तो
हम कई बार सोचते हैं हमें क्यों काम करना चाहिए, तो उसका विचार एक ही मन में आता है कि हरियाणा की जनता 2 करोड़ 80 बार मानता हूं मेरे परिवार के 2 करोड़ 80 लाख लोग हैं, तो अपने परिवार के लोगों के लिए तो काम हर कोई करता ही है ना, क्यों भाई करता है ना, हमारी बात अच्छी लग रही है कि नहीं, पता तो लग नहीं रहा। अगर सहमत है तो हमको बताइए ये बात अच्छी है कि नहीं। प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से हमारा लिंक जुड़ चुका है, तो मैं अपनी बात कुछ बचेगी तो बाद में करूंगा, वरना ये 1 घंटे का जो कार्यक्रम है अब प्रधानमंत्री जी के कार्यालय की तरफ हम चलते हैं, जो कार्यक्रम वहां से शुरू हो रहा है उसको वहीं से और सुनेंगे।